इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो फाइनली लॉन्च हो चुका है भाई। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? नाइजेरिया मार्केट में। और वहाँ पे जो है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आया है। प्रीवियसली मैंने बात की थी इन्फिनिक्स नोट 10 के बारे में, आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो से पहले इन्फिनिक्स नोट 10 या नोट 10 टी या नोट 10 आई ऐसे कुछ करके आएगा, जैसे जैसे इन्होंने नोट 8 के बाद नोट 8 आई को लॉन्च किया था। और यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो जैसे ही मैं कोई नया फ़ोन के बारे में वीडियो बनाता हूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो। अगर मैं बात करूँ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बारे में, तो इसकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें कंफर्म्ड है। फुल HD प्लस स्क्रीन, 90Hz, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, और बैक जो कैमरा है वो काफ़ी ऑन पेपर तो काफ़ी तगड़ी लग रही है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जिसके अंदर 120 व्यू एंगल जो है ना कवर होता है, 8GB 256GB वेरियंट है एंड 6 128 भी मौजूद है। अगर बात करूँ इस फ़ोन की प्राइसिंग की, तो $260 लिखा हुआ है। एक सेकंड में कैलकुलेट कर लो $260 कितने होते हैं। तो दोस्तों जो प्राइसिंग बन रही है वो जो है ना 40,000 के अराउंड बन रही है, जो कि मुझे टोटली ओवर प्राइस लग रहा है, क्योंकि इन्फिनिक्स की ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं है कि यार वो इतना ज़्यादा आगे जाएं। लेकिन अगर हम देखेंगे 256GB स्टोरेज है और 8GB है, तो यार 40,000 तो उसकी प्राइस बनती भी है। अब अगर मैं बताऊँ तो मेरा ये मूड था कि यार अगर 35,000 आ जाए ना तो भाई ये डील ब्रेकर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस जो है ना प्राइस पॉइंट में कोई भी कंपनी इनके आगे नहीं आएगी। IPS LCD पैनल होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और जो है ना 5000mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग, और सब चीज़ मतलब मुझे इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये जो फ़ोन है लॉन्च हो चुका है, इसके दो मॉडल हैं, एक है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो NFC जिसके अंदर मतलब बैक पे NFC ये यूज़ करते हैं, जैसे अगर तुम लोग बैंक की पेमेंट करते हो या कुछ मतलब जो WhatsApp पे Google पे फॉरेन में चलती है उनके लिए इन्होंने NFC भी प्रोवाइड किया है नाइजेरियन मार्केट में। अगर पाकिस्तान की बात करूँ यहाँ पर NFC का वेरिएंट मुझे नहीं लगता आएगा। तो मेरे हिसाब से तो यार प्राइस इसकी 30,000 से 33,000 बनती है, लेकिन अब 8GB 256GB वेरिएंट है तो हो सकता है ये ऐसे कर सकते हैं कि 33,000 से 35,000 के अराउंड 6 128 प्रोवाइड करें, और 8GB 256GB जो है ना कुछ 38,000 से 40,000 के अराउंड जाएगा। अब अगर मैं बताऊँ ना इन्फिनिक्स की यार इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं बनती अगर तुम लोग उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो या मार्केट में आफ्टर सेल्स वैल्यू देखते हो। लेकिन अगर बात करें मेरे पर्सनल प्रेफरेंस की, जिन लोगों को रीसेल वैल्यू से मतलब नहीं है मतलब, तो वो 8GB 256GB बाय कर सकता है, आपकी मर्जी है। तो यही थी सारी अपडेट। लॉन्च डेट की बात करो तो 18 मई को ऑफिशियली आ जाएगा पाकिस्तान में। प्राइस में आपको बताऊं तो $260 जो है ना मेंशन है ऑफिशियली इनकी गिज़्मो चाइना वेबसाइट पे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगी है एज एक्सपेक्टेड। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।